हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड गाइस, सुबह सुबह मैं जस्ट उठी हूँ, सो एक बार बाहर का व्यू आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस, चलो फिर किचन पर चलती हूँ एंड चाय वगैरह बना लेती हूँ। सो देखिए, यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म चाय, जो कि मैं ही बना रही हूँ। साथ ही मैंने गर्म पानी भी चढ़ा दी है, क्योंकि मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ, ये तो आप सबको पता है। एंड यहाँ शाहिदा रोटी बना रही है, क्योंकि हम सब, मतलब हमारी घर के जितने भी लोग हैं, हम सब सुबह रोटी खाते हैं। सो गाइस, चलो फिर लेमन जूस बना लेती हूँ। एंड कौन कौन मेरी तरह सुबह सुबह लेमन जूस पीते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आप पी लेती हूँ लेमन वाटर। लेमन वाटर पीने की 30 मिनट्स बाद मैं चाय पीती हूँ। एक्चुअली चाय को मैंने बहुत ज़्यादा स्किप करने की कोशिश की, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड गाइस, सुबह सुबह बता नहीं क्यों, हमारे रूम ना बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। आपके साथ भी क्या ऐसा होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। सो आप, मैं अपने रूम को इन्हें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लूँगी एंड डस्टिंग वगैरह भी कर लूँगी। रास्ते के साथ ही मेरी रूम है, तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आ जाती है। एंड गाइस, इंस्टाग्राम पर ना मुझे बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है, एक्चुअली मेरी बेड के बारे में है, कि दी आप बेड कहाँ से खरीदे हो, प्राइस कितना है। मतलब बहुत बहुत लाइक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है लोग मेरी बेड के बारे में, रील वगैरह में देखते हैं। तो सो मैं उन सभी लोगों को फर्स्टली थैंक यू कहना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए। सो मैंने सोचा, अगर इतना ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह आ रही है मेरे इंस्टाग्राम पर, तो मैंने सोचा क्यों ना एक Q&A सेशन कर लूँ। सो अगर आपके मन में भी मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में हो, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हो, मतलब जो कुछ भी है, आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो। मैं सभी क्वेश्चन का आंसर अपने यूट्यूब चैनल पर देने की कोशिश करूँगी। एंड गाइज, देखिए, बात करते करते यहाँ मेरी बेड भी बन गई है। कभी कभार रील वगैरह में रूम पर बनाती हूँ तो मेरी बेड दिख जाती है, तो लोगों ने मुझे बहुत सारा क्वेश्चन की है कि दी आप अपने बेड को एक बार बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड से ही एक बार अच्छी तरीके से दिखा दो। सो मैंने दिखा दी है, सो आप लोग देख लो। तो अभी मुझे जितने भी कपड़े वगैरह धोनी है, बेडशीट वगैरह, सबको धोने के लिए वॉशिंग मशीन पर डाल दूंगी। साथ ही रूम पर झाड़ू वगैरह लगा लूंगी। एंड अभी मुझे इतना ही काम करनी है, जो कुछ भी काम है वो मैं बाद में करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। गाइस, मतलब जितना भी काम था, एक्चुअली मेरी रूम का जो कुछ भी काम वगैरह था, मैंने सब कुछ कर लिया एंड अब मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। एक्चुअली गाइस, मैं रोज़ पढ़ाई करने से पहले मेरी रूम का जो कुछ भी काम वगैरह है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, फिर जाके पढ़ाई करती हूँ, नहीं तो मैं पढ़ाई पर अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने पढ़ाई वगैरह कर लिया, साथ ही जो कुछ भी काम वगैरह था, मैंने सब कुछ कर लिया। एक्चुअली आज मैं अपनी हेयर केयर करने वाली हूँ, सो जितने भी काम वगैरह था, हमने सब कुछ निपटा लिया। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से अपनी हेयर केयर नहीं की कर रही थी, तो जिस वजह से मेरी हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गई है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना अपने हेयर केयर कर लूँ, DIY रेमेडी वगैरह कुछ लगा लूँ अपने हेयर पर एंड आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं आज अपने हेयर के साथ क्या करने वाली हूँ, कौन सी चीज़ मैं लगाने वाली हूँ। गाइस, लगता है कोई मुझे बाहर बुला रहा है, तो मैं आती हूँ, आके फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, एक्चुअली फ्लिपकार्ट से मेरी एक पार्सल आ गई थी, तो कोई नहीं, मैं अभी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाती हूँ। मैं अनबॉक्सिंग कुछ इस तरीके से ही करती हूँ, कैची के लिए वेट नहीं करती हूँ, अपने हाथ से ही फोड़ देती हूँ। आर्टिफिशियल प्लांट्स, एक्चुअली मुझे बहुत ये सब पसंद है, मैं अपनी वीडियो के लिए ये सब मंगवाया था, तो आप लोग देखिए कॉम्बो में आया 5 है। वाह, बहुत ज़्यादा क्यूट है, एकदम छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड इसका प्राइस 167, हाँ 167 में मुझे पांच प्लांट मुझे मिल गई, सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो गाइस, अगर आपको इस प्लांट्स को बाय करनी है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऐड कर दूंगी, सो आप वहाँ जाकर डायरेक्टली बाय कर सकते हो। सो गाइस, ये सब हो गई, तो चलो बाहर चलती हूँ एंड मैं अपनी हेयर केयर कर लेती हूँ, तो चलो। सो गाइस, एक्चुअली आज मैं अपने हेयर पर जो रेमेडी बनाने वाली हूँ, उसमें एलोवेरा जेल भी मतलब यूज़ करने वाली हूँ। सो देखिए आप लोग, मेरे एलोवेरा का जो पौधा है, उसका हालत एकदम ख़राब है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसका देखभाल नहीं कर रही थी, जैसे कि मैं अपनी हेयर का भी ख्याल नहीं रख पा रही थी, बहुत दिनों से बीमार थी, बिजी थी बहुत ज़्यादा। सो बहुत ज़्यादा घास वगैरह हो गई है, तो देखिए मैं यहाँ एलोवेरा को काट कर लिया है, तो इसको मैं आप अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी
एंड देखिए कुछ इस तरीके से काट करके फिर मैं बीच में से जो एलोवेरा जेल है वो निकल लेंगे। सो देखिए अच्छे तरीके से मैं कुछ इस तरीके से बीच में से एलोवेरा जेल को निकाल के फिर मिक्सी जार पर ऐड कर दूंगी। एलोवेरा हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आई थिंक ये मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप सबको पता है। देन गाइस आप हम इस जार पर ऐड कर देंगे फ्लेक्सीड। एक्चुअली मैं फ्लेक्सीड को रात भर भिगो कर रखा था, फ्लेक्सीड भी हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो आप हम इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। सो देखिए स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो गई है, तो अभी हमें इसे अपनी हेयर पर लगानी है। देन गाइस देखिए जो एलोवेरा पील है इसको मैं अपने फेस पर रब कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली गाइस ऐसे करने से क्या होगा, अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल वगैरह है, सब कुछ रिमूव हो जाएगा। एंड ऐसा नहीं कि इंस्टेंट रिमूव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार अप्लाई करोगी तो ज़रूर ये आपका अच्छा रिजल्ट दे देगा। एंड ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इंस्टेंट ग्लो भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है। लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस जो मैंने अभी अभी हेयर मास्क बनाई है उसको भी मैं अभी अप्लाई करने वाली हूं। सो गाइस जो पेस्ट मैंने बनाया था उसको मैंने अपनी हेयर पर अप्लाई कर ली है, तो आप हम 1 घंटे के बाद इसे वॉश कर लेंगे। मैंने अपनी हेयर वॉश कर लिया है एंड अभी तक अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हुआ है, सेमी ड्राई हुआ है। एंड मैं मार्केट जा रही हूँ, सो जिस वजह से मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई हूँ, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। सो आप लोग इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मेरी हेयर एकदम स्मूथ एंड सिल्की हो गई है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको भी अपने फ्रिजी हेयर को सिल्की एंड स्मूथ करनी है, तो आप इस घरेलू नुस्खे को यूज करके कर सकते हो। सो फिलहाल मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे थोड़ी सी काम है, सो मैं वहां से आके फिर। सो मार्केट से आते टाइम पर देखिए मुझे क्या दिखने को मिला, एलिफेंट। बाप रे कितना बड़ा एलिफेंट है। एंड साथ ही आप स्काई को भी एक बार देखिए कितना अच्छा कलर होके रखा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत सारे लोगों ने एलिफेंट को बनाना खाने दे रहा था, मुझे भी देनी थी पर मेरे पास तो बनाना था ही नहीं। सो एक बार देख लो गाइस कितना बड़ा एलिफेंट है पास से, एक बार देख लो। सो फिर हम घर पहुंच गए एंड पहुंचते ही मैं सो गई थी, फिर कुछ देर बाद मैं उठी क्योंकि हस्बैंड को आने को टाइम हुआ। फिर मैं किचन पर गई एंड जाके मैंने मैंगो शेक बनाई क्योंकि मेरी हस्बैंड को मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। सो एकदम सिंपल रेसिपी है, आप लोग देख ही सकते हो। मैंगो पर मिल्क ऐड करके फिर उसका अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया। सो देखिए आप लोग मैंगो शेक बन के रेडी हो गई है। देन मेरे हस्बैंड भी आ गया था, तो हम दोनों ने मिलके मैंगो शेक इन्जॉय किया। तो आप भी घर पर मैंगो शेक बनाए एंड अपने हस्बैंड के साथ इन्जॉय करें। फिर मैंने फिश बनाई थी, तो हम लोगों ने डिनर साथ में कर लिया। सो यही थी आज की वीडियो, पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।